लुट का ताज़ा मामला हुशियारपुर के ब्लाक दसूहा के पिंड घोगरा तो सामने आया, जिथे कि लुटेरिया के वलों रात के समय पिस्तौल की नोक से लुट की वारदात की गई और चार रेहड़ी वाले तो पैसे तो मोबाइल फोन खो के फरार हो गए। लुट की यह वारदात उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे के विच कैद हो गई, पर रात का समा होने करके कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, जिस कारण लुटेरिया की पहचान करन दे विच पुलिस नू दिक्कत आ रही है। लुट का शिकार होए रेहड़ी वालिया ने मीडिया नू वापरी इस घटना बारे जानकारी देंदे हुए कहा कि लुटेरिया दे वलों पिस्तौल की नोक से लुट की वारदात की गई और एक राउंड फायर भी किया गया। उन्हें मांग की है कि रात के समय इलाके दे विच पुलिस दे नाके लगाए जाण तां जो कि अजिही घटना दोबारा ना वापर सके। तीन बंदे आए बाइक से, उनने आके सीधी पिस्टल लगा दी, हमारे पिस्टल लगा दी उनने सीधी कानों पर, हमने हाथ से पड़ के पिस्टल ऊपर कर दी, उनने फायर किया, फायर आपने देखा ही कि इसमें लगाए, और पैसे लूटने की बात थी उनने कि पैसे लूट गए, मेरे पैसे भी ले गए, मोबाइल फ़ोन भी ले गए जो कि मैंने 12,000 रुपये का लिया था 4 महीने पहले, वो भी ले गए, और बस सामान लेके वो बकाया और हैं आसपास रेडी वाले, इन लोगों को भी लूट की। जो बुलेट लगी है किसके लगी थी हाथ पे? बुलेट भी लगी थी? हाँ, मेरे ही हाथ के लगी है, लगी है थोड़ी, वो घोड़ा लगा था खिसकने का, बस मैं हाथ में फड़ के रखी थी। किस संबंधी पुलिस वालों को सूचना किया? मैंने उस रात को ही सरपंच को से सूचना की, उनने पुलिस बुलाई, देखा उनने, बल्कि बुलेट जो खोखा था वो ले गए पुलिस वाले। पैसे कितने थे आपके पास? पैसे मेरे पास थे जो गल्ले में ही थे, 2-3 हज़ार रुपए, वो ले गए और फोन ले गए मेरा 12,000 का। पुलिस वालों ने बुलेट नहीं निकाली इसमें से? इसमें से नहीं निकाली। क्या कहते थे? बोलते तुम निकलवा लेना, आज ही आए थे, बोलना निकलवा लेना, एक दो दिन कल परसों तक दे देना मुझे। तो वो तो ड्यूटी उनकी बनती है ना, अब मुझे क्या पता किसकी ड्यूटी बनती है, मुझसे बोल गए, अब मैं कल देखता हूँ निकलवाऊंगा तो समझेंगे। इधर आई बंदे, बंदे 3-4 जने इन्होंने हथोबाई हो रहे, हथोबाई हो रहे इधर, हथोबाई बाद फायर होया, मैं सोचा बारी मेरी बंद ही, मैं सोचा दिवाली बंब बुंब चल रहा, वह शायद बंब चलाया इन्होंने, उस तो बाद मेरा भतीजा इतने रौला पिया, फिर भज चाचा भजो भज इत, यही दसा भी बंदे पे आ, ये बाद मैं पता चल सारे बइए भजाते इधर वाले दुआले, सारे सुरमसान ही तो उधर आए दो जने मुंडे बंदे, जो भी जितो है जिदा पछताव ताने उन्होंने, मतलब जो भी दे रहे सत्तों जो भी जितो है, मेरी जेब से 1200-1300 रुपया ही मैं खड़ाता जी उन्होंने। किन्ने जने से? दो मैनू, मेरे तो दो ही आए जी। कादे उत्ते सी वो? इतने पैदल ही आए, इतने पैदल जो सारे भजाते फिर उधरों आए आ पछताल ही उन्होंने हाथ में मूँह से सारा उन्होंने पेटिया ही उन्होंने। बोली कितना थी सुना? बोली पंजाबी, पूरी प्योर पंजाबी, मोटी आवाज ही। अड्डा पड़ा जी? की मांग करते प्रशासन तो? सू इतने बस स्टैंड भी आ, बेंच भी है, सू चाहिए भी इतने पुलिस का पहरा हो, सवेर नहीं शामा तो आ 7-9 बजे तीन 10 बजे रहे हुए थे, 3-4 बारी पहले भी भजा जी मेरा, मैं पहले भी FIR दर्ज हुई है जी, पर वही नहीं होया, मेरा फोन भी लभे, उन्हें फोन भी दिता मैं इतने पुलिस को, नहीं फिर भी मैंने भी लभे। इधर तीन मुंडे आए मोटरसाइकिल पे से उतरे, तो उन्होंने उधर हाथों पाई उसके लड़के साथ हुई, तो उधर पास मेरे रेडी पास आए तो इधर तक पहुँचे, तब तक मैं नाला फलां के उधर पास चले गया, उन्होंने गले में से हाथ डाला, पैसे निकाल के फिर उधर चल गए, फिर पैसे निकाल के उधर फायरिंग की एक बार की, गोली बारी चलाई और चले गए। तो कितने पैसे थे आपके गले? 2500 रुपया था मेरे गले पास जी। क्या कहते हो, क्या मांग करते हो? मांग क्या करते, जो कुछ गया है हमारा वो मिल जाए बस, भगवान की कृपा से यही करेंगे आपसे। यहाँ ये हुआ कि रात को तीन लोग आए बाइक ले गए, तो उन्हें पिस्टल निकाली इधर पीठ में लगाई, वो कहने लगे गल्ला दीजिए, तो हमने कही कि गल्ला क्या होता है, तो उन्हें पैसे गल्ला के मारे पिस्टल के मारे फेर भी किरे एक दो, और हम लोग भागे, पैसे गल्ले में से ले गए, मोबाइल भी ले गए एक नाल। पुलिस के कैसे प्रबंध है? पुलिस का यहाँ कोई प्रबंध नहीं है, नाल बैंक भी है, इधर बस स्टैंड भी है, इधर कोई नाका कभी लगता है कभी नहीं लगता है, यहाँ कोई नहीं आती है, कभी पुलिस आ जाती है कभी नहीं आती है। क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ चौराहे है, पुलिस सुरक्षा होना चाहिए, यहाँ बंदे खड़ते हैं, जनानी कुड़ियाँ सब उतरती हैं बस से, लड़कियाँ वगैरह, तो यहाँ पुलिस का प्रबंध रहेगा तो बचाव होगा एक दूसरे से। कितने लोग थे वो? वो तीन लोग थे बाइक पर। कैसे महान था, कैसे थे वो सरदार थे? नहीं मौने थे वो। उधर जांच अधिकारी का कहना है कि मामले की गंभीरता के नाल कार्रवाई की जा रही है। सानू 8:30 बजे करीब रात को इंटीमेशन आई सी कि घोगरे अड्डे अड्डे कोई फायर इंसीडेंट होया, तो कोई
रेहड़ी वाले आ उन्हों तो स्नैचिंग दे भी कह रहे थे जिहड़ा असीं मौके ते पुज्जे सीगे ते मौका असीं विजिट कीता जी सारा ते उत्थे एक राउंड फायर भी होया ते सानू उन्हां ने आए साडे कोल पर उन्हां ने हजे तक सानू कोई रिटन रीप्रजेंटेशन नहीं दिती ते जदों भी साडे कोल कोई रिटन रीप्रजेंटेशन दिंदे आ उहदे मुताबक असीं अगली कार्रवाई अमल च लियावांगे। हाल फिलहाल असीं जिहड़े भी उह बंदे वारदात वाले उह दस्सण दे सीगे कि एक मोटरसाइकिल ते तीन नौजवान आए सीगे ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਗੱਪੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਟ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੁਲਟ ਕਢਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪੁਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰਾ ਸੁਨਸਾਨ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਰੱਖਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦਸੂਹਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ ਜੇਕਰ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PNP ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।